Hi guys, welcome to Ali Vocabulary. So today is 24th January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. So let's get started. First word is trance. Trance means behosh. मतलब आपका आँख तो खुला है फिर भी आप होश में नहीं हो तो उसे बोलते हैं ट्रेंस। जैसे सपोज आपको कोई हाइपनोटाइज करता है तो उस टाइम आपका माइंड कॉन्शियस नहीं रहता, आपका कंट्रोल उसके कंट्रोल में रहता है तो उसे बोलते हैं ट्रेंस। जैसे ये देखो पिक में ओके और इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे सपोज आप जब सुबह सुबह उठते होंगे ओके तो आपका माइंड उस टाइम टोटली मतलब आप जब अचानक उठते हो तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में थोड़ा नहीं रहता है ओके तो उसे बोलते हैं ट्रेंस। सो ट्रेंस मीन्स ए टेम्पररी mental condition in which someone is not completely conscious of or and not in control of himself or herself. जैसा ये देखो पिक में, इस टाइम ये अपने कंट्रोल में नहीं है थोड़ा सा, तो इसे बोलते हैं ट्रेंस। हिंदी में बोलेंगे बेहोशी के हालत में या बेहोश। अब इसे आप करो रिलेट टेरेस से ओके, टेरेस ट्रेंस टेरेस है ना, टेरेस में जो होता है छत, तो सपोज कोई छत से गिर गया ओके सपोज कोई अपने टेरेस से गिर गया है तो उसका उसके उसके माइंड में चोट लग गया तो उस टाइम वो थोड़ा बेहोश होगा, मतलब बेहोश होगा या ऐसा कुछ होगा तो उसे क्या बोलेंगे टेरेंस ओके। आप बस याद रखने के लिए टेरेस से करो रिलेट टेरेंस ओके। फॉर एग्जाम्पल सीज बीन ट्रेस्ड एंड मे नीड वेकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज टॉपेड। नेक्स्ट वर्ड इज टॉपेड। टॉपेड मीन्स समथिंग स्लो और इनएक्टिव। जैसे सपोज आपको कोई टेस्टी खाना मिला है, सपोज आपको लंच में बहुत टेस्टी खाना मिला है और आप पेट भर के पूरा खा लिए ओके, तो अब आप यहाँ देखो ये जो पिक में ये सो रहा है ओके, तो आपको भी फील होगा हम भी सो जाते हैं इनएक्टिव, मतलब आपको उस टाइम पूरा खाने के बाद आपको थोड़ा इनएक्टिव फील होता है ओके, तो उसे बोलते हैं टॉपेड। जैसे आप टॉपेड का सिनोनिम्स बोल सकते हो लेथर्जिक, नंप या इनएक्टिव। मैंने ये सब वर्ड डिस्कस किए हैं, लेथर्जिक वर्ड मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था शायद 4th January का, अगर आपको पता नहीं है तो आप वहां से देख सकते हो 4th January को ये सब मैंने वर्ड डिस्कस किया है। लेथर्जिक मैंने डिस्कस किया 4th January को एंड नंप वर्ड मैंने डिस्कस किया है 5th January को ओके। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप वहां से आप वीडियो देख सकते हो ओके। सो टॉपेड मीन्स नॉट एक्टिव moving or thinking slowly or you can say inactive or you can say mentally and or physically inactive that means lethargic। Hindi mein bolenge akad jana। Ab ise yaad kaise rakhe to aap ise relate torpedo karo tor dekho hai na torpedo tor torso ka tortoise okay tortoise ko hindi mein kya bolte hain tortoise ha kachua okay sorry main thoda bhul gaya tha torpedo karo aap tortoise okay torpedo tortoise। सो रिलेट इफ विथ टॉटाइज, वी ऑल नो दे आर स्लो, तो वो थोड़ा इनएक्टिव रहते हैं, स्लोली काम करते हैं, तो क्या है टॉपेड टॉटाइज ओके। जैसे ये देखो फॉर एग्जाम्पल ए माइंड ग्रो टॉपेड इन ओल्ड एज। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेस्टिव। रेस्टिव मीन्स बेचैन, बेताब। जैसे जैसे आपने किसी बच्चे को देखा होगा, वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत बेचैन रहते हैं, मतलब वो शांति से बैठ ही नहीं सकते। ऐसे कोई बच्चे जो शांति से बैठे नहीं सकते हैं, हम उन्हें प्यार से बोलते हैं नटखट, बट उसे हम रेस्टिव भी बहुत बोल सकते हैं, जो चैन से बैठ ही नहीं सकते हैं, मतलब वो बेचैन रहते हैं, मतलब वो कभी लाइट ऑन ऑफ करेंगे, मतलब वो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, कभी फैन ऑन ऑफ करेंगे, मतलब ऐसा कुछ वो करते ही रहेंगे, उन्हें बोलते हैं रेस्टिव ओके। और एक ये रेस्टिव प्लेस के लिए भी यूज होता है, जैसे सपोज किसी रेस्टिव प्लेस के पीपल बहुत अनहैप्पी है, डिप्रेस्ड है, ऑपरेस्ड है, तो वो वहाँ से निकलने के लिए, मतलब उस एरिया से निकलने के लिए वो डिस्परेटली वहाँ से निकलने के लिए बहुत वहाँ से वो चेंज होने के लिए वहाँ से निकलने के लिए, तो उस प्लेस को ही बोलेंगे रेस्टिव, मतलब वो वहाँ से निकलने के लिए बेचैन है ओके, तो उसे बोलते हैं रेस्टिव। जैसे ये देखो पीपल लोगों को, ये मतलब रेस्टिव है, मतलब वो बेचैन है, तो इसे बोलते हैं रेस्टिव। सो रेस्टिव मीन्स अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव, स्पेशली बिकॉज ऑफ बॉर्डन और डिससेटिस्फैक्शन ऑफ ए पर्सन, और यू कैन से बींग इन ए टेंस्ड स्टेट। हिंदी में बोलेंगे बेचैन या बेताब है ओके। अब इसे आप रेड करो रेस्ट से आया रेस्टलेस ओके, रेस्ट आप इसे करो रेड रेस्ट ओके, रेस्ट रेस्टिव है ना, रेस्ट रेस्टिव रेस्ट रेस्ट मतलब क्या होता है, जब हम रेस्ट में रहते हैं, और रेस्टलेस मतलब क्या हुआ, जो मतलब शांति से है ही नहीं, रेस्टलेस है, तो आप इसे करो रेड रेस्टिव रेस्टलेस। Restive is actually restless, so restive. For example, the audience was becoming restive as they waited for performance
टू बिगेन, मतलब जो ऑडियंस है वो रेस्टिव हो गया, मतलब बेचैन हो गया परफॉर्मेंस का वेट करते करते, तो उसे क्या बोलेंगे? रेस्टिव. नेक्स्ट वर्ड इज पिटेंस. नेक्स्ट वर्ड इज पिटेंस. पिटेंस मीन्स ए टीनी पेमेंट और स्मॉल रिम्ब्रेसमेंट ऑफ वर्क. ओके, मतलब मतलब आपको किसी काम के लिए इनएडिक्वेट पैसा मिलता है, इनएडिक्वेट मनी मिलता है, तो उसे बोलते हैं पिटेंस. ओके, जैसे सपोज किसी ने 1000 रुपया काम किया और उसे उसके बदले में बस 50 रुपये मिल रहे हैं, तो उस 50 रुपये को बोलेंगे पिटेंस. मतलब उसे काम के लिए बहुत कम पैसे मिले हैं, तो उसे बोलते हैं पिटेंस. जैसे यहाँ देखो, इस पर्सन ने बहुत काम किया था, इसे मिले बस चिल्लर, तो ये क्या हुआ? पिटेंस. सो पिटेंस मीन्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, स्पेशली मनी रिसीव एज पेमेंट, इनकम और ए प्रेजेंट, और यू कैन से ए वेरी स्मॉल और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी. हिंदी में बोलेंगे देन या रुद्र वेतन. अब इसे याद कैसे रखे, तो आप इसे करो रेड पिटी से, पिटेंस पिटी. ओके, पिटी मीन्स क्या होता है? दया. ओके, मतलब दया दिखाना, रहम दिखाना. तो सपोज आपके सामने किसी को बहुत कम पैसे मिले, मतलब उसे पिटेंस मिले, तो आपके लिए उसके प्रति दया होगा, रहम होगा ना. ओके, तो उसे क्या बोलेंगे? पिटेंस. तो आपके लिए उसके लिए क्या है? दया है, रहम है, तो वो हो गया पिटी. तो आप पिटी को कैलकुलेट पिटेंस से. फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड बट ही इज पेड ए पिटेंस. नेक्स्ट वर्ड इज नोड. नोड मीन्स, एक्चुअली आपको इसका मतलब पता होगा, नोड मीन्स होता है सर हिला के इंडिकेट करना कि हाँ, हाँ या यस. आप जो सर हिला के इंडिकेट करते हो उसे बोलते हैं नोड. जैसे यहाँ देखो, ये मतलब सर हिला के किसी को इंडिकेट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं नोड. जैसे सपोज आपको किसी ने चाय के लिए पूछा, तो आपने बस अपना सर हिला दिया. ओके, ऊपर नीचे आपने सर हिला दिया, मतलब क्या है? आपने उसे हाँ बोला या यस, आपने अपना एसेंट दिया कि हाँ मुझे मतलब स्वीकार है, तो उसे बोलते हैं नोड. सो नोड मीन्स लोअर एंड राइज द हेड as to indicate assent or agreement or confirmation, or you can say a sign of assent. Assent मतलब होता है एक तरह का, assent मतलब आपको आपको कुछ कोई offer किया और आप स्वीकार करते हो, तो उसे बोलते हैं assent. Okay, तो a sign of assent or a salutation or a command. हिंदी में बोलेंगे सिर से, इशारे से सलाम करना या इशारा करना, तो उसे बोलेंगे nod. For example, he nodded his head in greeting. और यू कैन से नेक्स्ट एग्जांपल, ये आज के न्यूज़पेपर का लाइन. ओके, प्राइवेट स्कूल्स नीड गवर्नमेंट नोट बिफोर हिकिंग फीस. ओके, मतलब प्राइवेट स्कूल का गवर्नमेंट का स्वीकार चाहिए उसको फी बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेल. इम्पेल, इम्पेल मीन्स होता है चुभना. ओके, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से चुभना, उसे बोलते हैं इम्पेल. जैसे ये देखो पिक में, ये जो स्पून है, ये स्पून से इस स्ट्रॉबेरी में ये चुभा रहे हैं. ओके, ये चुभाना एक्चुअली इम्पेल यूज होता है किसी पर्सन पे या किसी एनिमल में आप जो चुभाते हो, तो उसे बोलते हैं इम्पेल. लेकिन यहाँ क्या है, ये हम ये स्ट्रॉबेरी में चुभा रहे हैं, तो ये इस चुभाने को बोलते हैं इम्पेल. सो इम्पेल मीन्स टू प्रीज. प्रीज मतलब होता है, प्रीज मतलब आप बोल सकते हो छेदना. ओके, छेदना मतलब किसी पे एक सुई से किसी को छेद रहे हो ना, तो उस छेदना को बोलते हैं प्रीज. तो इम्पेल मीन्स टू प्रीज. देखो, टू प्रीज मतलब क्या, हम इसे जो स्पून में इम्पेल कर रहे हो, तो ये एक तरह का छेदना भी, तो हम इसको छेद रहे हैं ना. तो इम्पेल मीन्स टू प्रीज विथ ए शार्प स्टेक और पॉइंट. और यू कैन से टू पुश ए शार्प ऑब्जेक्ट थ्रू समथिंग, स्पेशली द बॉडी ऑफ एन एनिमल और persons. हिंदी में क्या बोलेंगे? चुभाना. अब इसे याद कैसे रखें, तो आप इसे कॉर्डिनेट आई एम एम प्लस पेल. पेल मतलब आपको पता होगा, मतलब कोई कमजोर सा फीका पड़ जाता, तो उसे बोलते हैं पेल. जैसे सपोज आपको आपको किसी आपको नहीं मतलब सपोज किसी को मतलब आपने मतलब चुभाया. ओके, मतलब सपोज उसके बॉडी में किसी ने कुछ चुभाया, तो उसका ब्लड बॉडी से उसके बॉडी पूरा मतलब उसके बॉडी से ब्लड निकल जाएगा, तो उसका बॉडी फीका पड़ जाएगा, मतलब उसका बॉडी पीला पीला दिखेगा, फीका पड़ेगा, कमजोर लगेगा, तो उसे बोलते हैं पेल. ओके, तो आप इससे कनेक्टेड इम्पेल को आई एम पेल. सपोज इफ समवन इज प्रीज्ड, प्लीज मैंने बताया चुभाना. इफ समवन इज प्रीज्ड विद समथिंग, ही विल बी पेल ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग. For example, his head was impaled on a pick. Next word is fetus. Next word is fetus. Fetus means an extreme strong devotion of something. मतलब obsessive interest on something. Obsessive मतलब मैंने आपको बताया था जुनून. ओके, एक तरह का जुनून, तो जुनूनी interest on something. जैसे जैसे मतलब किसी object के या किसी person पे. ओके,
जैसे किसी किसी फुटबॉलर्स को होता है ना, वो मतलब वो अपने फुटबॉल के साथ ही उठेगा, उसके साथ ही खाएगा, वो दिन भर अपने फुटबॉल के साथ खेलते ही रहेगा, मतलब उसको दिन भर वो 24 घंटे अपने फुटबॉल के साथ ही रहेगा, तो उसे बोलते हैं फिटनेस। तो वो मतलब क्या कर रहा है, वो अनरीजनेबली उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब क्या इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसे बोलते हैं फिटनेस। जैसे किसी किसी पर्सन को होता है ना कि मतलब वो मतलब एरिया साफ है फिर भी वो साफ किए जा रहा है, तो उसे बोलते फिटनेस। मतलब वो अनरीजनेबली अपना टाइम स्पेंड कर रहा है किसी चीज़ को साफ करने के लिए बार बार, तो उसे बोलते फिटनेस। बट ये यू वर्ड नॉर्मली सेक्सुअली यूज होता है, जैसे जैसे किसी पर्सन को होता है, जैसे मोस्ट कॉमन मेल फिटनेसेस आर लेग्स हेयर्स एंड मोस्ट ऑफ विच आर टू इन अप्रोप्रिएट टू स्पीक हियर। होप आपको समझ तो आ गया होगा फिटनेस। जैसे देखो इस पर्सन का फिटनेस है लेग फिटनेस है इसको, तो इसे बोलते हैं फिटनेस। ओके, तो फिटनेस मीन्स एन एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट दैट यू आर सो इंटरेस्टेड इन दैट यू स्पेंड एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट इट और डूइंग इट, पार्टिकुलरली ऑब्जेक्ट या आइटम्स ऑफ क्लोथिंग और ए पार्ट ऑफ बॉडी लाइक दैट। हिंदी में इसे बोलेंगे अर्ध अंधश्रद्धा। अब याद कैसे रखिए, तो आप इसे करो रेट फिट प्लस ईश्वर से, फिटनेस फिट प्लस ईश्वर। ओके, फिट से है ना, अगर यहाँ डबल ई कर तो फिट आ जाएगा, फिट प्लस ईश्वर, तो फिट से आया फिट प्लस ईश्वर। ओके, फिट, सो फॉल ऑन फिट ऑफ ईश्वर, मतलब 24 घंटे ईश्वर के फिट में ही पड़े हो, तो वो क्या हो, फॉल ऑन फिट ऑफ ईश्वर, सो इरेशनल डिवोशन, तो उसे क्या बोलेंगे, फिटनेस। फॉर एग्जाम्पल ही हैड ए फिटनेस फॉर और अबाउट क्लीनिनेस, जैसे मैंने बताया था। एंड गाइज, आज आपको बताना है रेस्ट बाइट का मतलब क्या था, रेस्ट बाइट वर्ड मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था, रेस्ट बाइट मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सम रेस्ट बाइट फ्रॉम कोल्ड कंडीशंस इन नॉर्थ एज मर्करी राइजेज। एंड गाइज, अब आप रिविजन के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट वर्ड मैंने वर्ड डिस्कस किया था टेरेंस, नेक्स्ट वर्ड था टॉपेड में समथिंग स्लोली और इनएक्टिव, सिनोनिम्स बोल सकते हो लेथर्जिक या नंप या इनएक्टिव, जैसे ये है सोया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्टिव, रेस्टिव में जो बेचैन है बेताब है उसे बोलते हैं रेस्टिव। नेक्स्ट वर्ड पिटेंस, पिटेंस मीन्स जिसको कम पैसा मिलता है, मतलब स्मॉल रिम्बर्समेंट फॉर वर्क, जैसे इसको मिला कम पैसा मिला। नोट में सर हिला के किसी को इशारा करना, जैसे आप पिक में देख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इम्पेल, इम्पेल मतलब चुभाना किसी पर्सन में या किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे इस पिक में चुभा रहे हैं। फिटस, फिटस मीन्स एन ऑब्सेसिव इंटरेस्ट ऑन समथिंग। सो गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ, लाइक ऑलवेज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।